हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद वाघ, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच और लाइफ मेंटर आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी और उसी सीरीज का ये एक वीडियो है। और ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है कंसेप्ट सेलिंग। अब आप जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं और आप जब पॉलिसी की बात करते हैं, या हो सकता है एंडोमेंट, जीवन लाभ, जीवन आनंद या मनी बैक, एनी प्लान, तो आप जब भी प्लान की बात करते हैं तो क्लाइंट ये प्लान के बारे में जानता है, बट आप कुछ अलग बात करना चाहिए, कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहिए, कुछ स्टोरी बताना चाहिए कि जिससे क्लाइंट को लगे कि आप एक नॉर्मल एजेंट नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल एजेंट हो। तो आप ऐसी क्या बात कर सकते हैं, कुछ स्टोरी शेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी ही एक बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, और ये आप स्टोरी जब क्लाइंट के साथ में शेयर करेंगे तो क्लाइंट डेफिनेटली बोलेगा कि सर, मुझे आपसे पॉलिसी चाहिए ही चाहिए और आज ही करते हैं, ऐसा पक्का बोलेगा। और ये स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूं, एज इट इज आपको क्लाइंट के सामने बताना है, ठीक है दोस्तों। और ये स्टोरी बताने के बाद में आपको क्लाइंट के साथ में सिर्फ उसकी कितने की पॉलिसी निकालनी है, ये आपको डिसाइड करना है क्लाइंट के साथ में। तो शुरू करते हैं स्टोरी की। क्लाइंट को आपको पूछना है कि सर, आपने सर्कस देखा है कभी? आमतौर पर लोगों ने सर्कस देखे होते तो बोलेगा हाँ। तो पूछना है कि सर, सर्कस में क्या क्या चीजें होती है, मुझे पता है बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। तो बोलेगा कि सर, सर्कस में जनरली जोकर होते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है। उसके अलावा वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं, कुछ अफ्रीकन्स होते हैं, और उसके अलावा ट्रूपीज का पूरा ग्रुप होता है जो अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, रस्सी पे लटकते हैं, यहाँ से वहाँ पर आते हैं और बीच में रस्सी छोड़ते हैं, वहाँ से वापस यहाँ आते हैं, रस्सी छोड़ के यहाँ की रस्सी पकड़ते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग तरह की कलाबाजियां लोग दिखाते हैं, उसको ट्रूपिस्ट का ग्रुप बोलते हैं, ट्रूपिस्ट। तो आपको कहना है बराबर, बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर, ऐसे ही एक सर्कस की एक स्टोरी है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम जैक। ये जो जैक है, एक ट्रूपिस्ट होता है जो इस तरह की कलाबाजियां दिखाने का काम करता है, नीचे से ऊपर जाना, रस्सी पकड़ना, वो रस्सी लेके लटक के यहाँ पे बीच में आना, और यहाँ से जो रस्सी छोड़ी होती है वो लेके आना, और ये रस्सी लेके आया वो छोड़ के यहाँ की जो रस्सी आई है वो पकड़ के वहां पे जाना, वापस आना, ये रस्सी छोड़ के यहाँ की रस्सी पकड़ना। तो इस तरह की अलग अलग तरह की कलाबाजियां दिखाना उसका काम होता है। अब ये जो जैक है, एक दिन में तकरीबन 400 करता है, और ये जैक यदि 25 दिन काम करता है सर, तो महीने के कितने दिन, कितने शो हो जाएंगे उसके? तो बोलेगा 100। बोला राइट सर। और ये बंदा यदि पूरे साल भर काम करता है तो कितने शो हो जाएंगे? तो बोलेगा हाँ, 1200 हो जाएंगे। बराबर है सर। तो सर, ऐसे ही ये जैक इस तरह की बहुत ही बेहतरीन कलाबाजियां दिखाते दिखाते उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं और वो एक्सपर्ट बन जाता है। और एक बार क्या होता है कि रात को 2:30 से 3 के बीच में उसके घर पे दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है, खटखटाने की आवाज़ आती है, और ये बंदा सोया होता है और आंखें मीचते हुए ऐसे आता है, देखता है, अरे कौन है, देखता है तो अरे बॉस, उसका सर्कस का बॉस वहाँ पे होता है। बोले बॉस आप? और यहाँ पे इस वक्त रात के 2:30 बजे सर, क्या काम है, कुछ अर्जेंट, इज देयर एनी इमरजेंसी? बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे कुछ पूछना है। बोले पूछना है सर? मतलब क्या है, मतलब ऐसा कुछ अर्जेंट है? यानी अर्जेंट है लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट है। बोले ठीक है, आइए सर। अब वो बॉस को घर में अंदर लेता है और बॉस को पानी देता है, और पानी देने के बाद उसको पूछता है, सर आप चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे? तो बॉस बोलता है कि अभी टाइम तो नहीं है चाय कॉफ़ी का, बट कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है तो कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं, क्या मुझे कॉफ़ी पिलाओगे जैक? तो जैक बोलता है ठीक है बॉस, चलिए मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, बढ़िया सा कॉफ़ी। वो किचन में जाता है,
बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आता है, 2 कप लेके आता है, एक बॉस को देता है और एक खुद लेता है। और कॉफी की चुस्की लेते हुए बॉस को पूछता है कि बताइए बॉस, क्या इंपॉर्टेंट बात करना है। तो बॉस बोलता है कि जैक, तूने आज तक तकरीबन 12,000 शो मेरे सर्कस में किए, एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ अवर सर्कस। तो मुझे बता कि तुझे कभी डर लगा ये सर्कस दिखाते हुए, ये कलाबाजी दिखाते हुए? तो जैक बोलता है, नहीं बॉस। बोले, आर यू श्योर? बोले, यस। बोले, कंफर्म? बोले, हाँ बॉस। बोले, पक्का? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपको इतनी बार कोई पूछेगा, 3-4 बार, तो आप कुछ तो डाउट करोगे, कुछ तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये बंदा बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहा है। तो जैक भी सोचने लगता है और पूछता है, बताता है बॉस को कि बॉस, मुझे डर नहीं लगता है, बट मुझे जानना है कि आप रात के 2:30 बजे ये बात करने आए हो। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं, आप बताइए क्या कारण है। बोले, ठीक है, बस यही पूछना था। बोले, यही पूछना था, मतलब समझ में नहीं आया। बोले, देख, ऐसा है कि तुझे डर नहीं लगता है ना, तो मैं खर्चा नहीं करता हूँ। बोले, खर्चा नहीं करता हूँ मतलब? बोले, देख जैक, ऐसा है कि तू जब ये इस तरह की कलाबाजियाँ दिखाता है, यहाँ पे रस्सी से आता है, यहाँ पे रस्सी पकड़ता है, यहाँ से वापस आता है, ये रस्सी पकड़ता है, तो ये जब तू कलाबाजियाँ दिखाता रहता है, तो उस वक्त नीचे नेट लगी होती है, तो वो जो नेट जो लगी है, वो नेट इन 10 साल में खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर तुझे डर नहीं लगता है, तो मैं नया नेट खरीदने का खर्चा नहीं करता हूं, मेरा पैसा उतना बच जाएगा। तो आप मुझे बताइए सर, कि जैक ने क्या बताया होगा, नेट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्लाइंट ने जैसे बताया चाहिए, तो आपको तुरंत पूछना है चाहिए, तो सर मैं भी आपको वही बता रहा हूं कि ये जो नेट है, ये नेट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये जो जब जैक ने बताया कि नेट चाहिए, तो बॉस ने उसको दूसरा सवाल किया, अच्छा सस्ती वाली चलेगी या मजबूत चाहिए, कमजोर चलेगी या मजबूत चाहिए, कैसी चाहिए? तो जैक बोलता, बॉस डेफिनेटली मजबूत चाहिए, महंगी चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। तो सर मैं भी आपको वही बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज लाइक अ नेट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग, फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, फॉर योर डॉटर मैरिज, एंड फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन। तो सर आपने अपनी लाइफ में ऐसी कितने की नेट रखी हुई है, कितनी मजबूत नेट ली है, आई मीन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस तरह की आप बात, मतलब ये जो स्टोरी है, ये जो कंसेप्ट आप जब क्लाइंट के साथ में शेयर करेंगे, तो क्लाइंट हंस के आपको जवाब देगा और आपकी बड़ी पॉलिसी वहां पे बिकेगी। ये निर्भर करता है आपके प्रेजेंटेशन पर, आपकी स्टोरी पर, राइट? तो नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।